हेलो फ्रेंड, मैं बताऊंगा आज के इस वीडियो में कैसे आप बिहार लोयस स्वच्छ अभियान की तरफ से मतलब 12,000 रुपये पैसे आप ले सकते हैं जो आपको शौचालय के लिए, अगर आप शौचालय बनवाएं, ठीक है। अगर आपको शौचालय का पैसा नहीं मिला हुआ है तो शौचालय के लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं घर बैठे अपने मोबाइल से, ठीक है। आपको कहीं और जाने की कोई ज़रूरत नहीं, आपको मोबाइल से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जो आपको 12,000 रुपये आपके अकाउंट में भेज दिया जाता है, ठीक है। तो कैसे आपको अप्लाई करेंगे इस वीडियो में पूरा बताऊंगा, तो इस वीडियो को पूरा देखें, आपको पूरा समझ में आएगा, ठीक है। अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन ऑल प्रेस करें, क्योंकि मैं हमसे इस तरह भी तो लाता आता हूँ। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पर आएंगे, ठीक है। मैं इसको बता दूंगा लास्ट में कोई इस वेबसाइट कैसे आपको इस वेबसाइट पर आ सकते हैं, ठीक है। जैसे अभी इस वेबसाइट पर आएंगे, यहाँ पर देख रहे हैं आपको निर्मित शौचालय के प्रोत्साहन राशि हेतु और मोबाइल ऐप का लिंक, ठीक है। मोबाइल ऐप का भी, यानी आपको इसका मोबाइल ऐप भी लॉन्च कर दिया गया। मोबाइल ऐप्स को इस पर क्लिक करेंगे तब डाउनलोड करके मोबाइल ऐप से भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं बताऊंगा आपको कैसे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आपको यानी आप क्रोम बजट से, ठीक है। तो निर्मित शौचालय हेतु प्रोत्साहन राशि हेतु ऑनलाइन भुगतान हेतु ऑनलाइन लिंक, ठीक है। यहाँ पर देख रहे हैं आपको ऑनलाइन लिंक, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर इस तरह का पेज खुल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखें थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे डेस्कटॉप साइड कर लेंगे, मोबाइल में कंप्यूटर की तरह आपका हो जाएगा, ठीक है। कंप्यूटर की तरह होने के बाद यहाँ पर देखें लाभार्थी का विवरण की प्रविष्टि, ठीक है। यहाँ पर आपको बोल रहा है कुछ चुनने के लिए, आपको कुछ फिल करने के लिए। तो वेबसाइट नहीं देख रहे आपको, बेसलाइन क्रम संख्या इसको छोड़ देंगे, ठीक है। पिता पति का नाम डालेंगे, ठीक है। पिता का नाम क्या होगा, पति का नाम क्या है, लाभार्थी का नाम क्या है जिसके नाम से आप फॉर्म भर रहे हैं, लिंक डालेंगे उसका, ठीक है। आपको उसको जाति है इंग्लिश है, सॉरी फॉर आपको स्त्री या पुरुष है, श्रेणी उसका जाति क्या है उसका, ठीक है। आपको जिले क्या है उनके, ठीक है। आपको पंचायत क्या है उनके, प्रखंड क्या है, ग्राम क्या है, वार्ड नंबर क्या है, मोबाइल नंबर डालेंगे, शौचालय निर्माण की तिथि, यानी आपको अगर आप शौचालय अगर आज पर अप्लाई कर रहे हैं तो शौचालय के यहाँ यानी आप 6-7 महीना पहले के डालेंगे, डेट डालेंगे इसमें, आधार संख्या डालेंगे आपको, और फोटो डालेंगे आपको शौचालय के साथ, लाभार्थी का फोटो डालेंगे इसमें, चूज फाइल करके सेव कर सकते हैं, ठीक है। इसका टोला डालेंगे, अब एपल बीपल संख्या है डालेंगे नहीं तो इसको छोड़ देंगे, ठीक है। इसका बस सेव कर देंगे, ठीक है। चलिए मैं फटाफट फिलअप करता हूँ, ठीक है। इसमें डालेंगे आपको और नाम डालेंगे लाभार्थी का नाम, चलिए मैं फिल करता हूँ आपके सामने। तो फिर लाभार्थी का नाम फिल करने यहाँ पर देख रहे पिता का नाम डालेंगे, ठीक है। इसमें फिर आपको पिता का नाम डालेंगे, चलिए पिता का नाम फिल करता हूँ। तो फिर पिता का नाम फिल कर चुका हूँ, यहाँ पर डालेंगे लिंक चुनेंगे आपको, ठीक है। लिंक चुन लेंगे, लिंक चुनने के बाद यहाँ पर देख रहे आपको श्रेणी जाएंगे, श्रेणी आपको किस जाति का, ठीक है। आपको यहाँ पर जाति चुनना पड़ेगा, ठीक है। जाति चुनने के बाद यहाँ पर देख रहे जिला पर जाएंगे, जिला पर इस पर क्लिक करेंगे आपको किस जिले का है, ठीक है। यहाँ पर आप जिला चुनेंगे, जिला चुनने के बाद यहाँ पर देख रहे हैं रिफ्रेश होगा, रिफ्रेश होने के बाद यहाँ पर देख रहे आपको पंचायत का ऑप्शन मिलेगा, थोड़ा लोडिंग ले रहा है, ठीक है। लोडिंग लेने के बाद आपको बता देगा, ठीक है। तो फिर यहाँ पर देख रहे हैं आपको जिला चुनने के बाद यहाँ पर देख रहे हैं प्रखंड चुनेंगे, प्रखंड पर क्लिक करें आपको कि कौन सा प्रखंड है, यहाँ पर आप प्रखंड चुनेंगे, ठीक है। प्रखंड चुनने के बाद यहाँ पर देख रहे हैं रिफ्रेश होगा, रिफ्रेश होने के बाद यहाँ पर देख रहे हैं ग्राम चुनेंगे, ठीक है। आपको देख रहे हैं आपको इसके बाद देख रहे हैं आपको प्रखंड चुनने के बाद आपको पंचायत चुनेंगे किस पंचायत से है, ठीक है। चलिए पंचायत चुन लेता हूँ, पंचायत चुनने के बाद यहाँ पर देख रहे हैं आपको ग्राम चुनने के बोल रहे हैं आपको ग्राम चुन लेंगे, ठीक है। ग्राम चुनने के बाद यहाँ पर देख रहे हैं आपको वार्ड नंबर चुन लेंगे, ठीक है। वार्ड संख्या चुनने के बाद आपको यहाँ पर देख रहे हैं आधार संख्या डालेंगे जो आपका आधार नंबर में आपको, ठीक है। आपको आधार नंबर है वही आधार नंबर यहाँ फिल करेंगे, आपको फोटो डालेंगे, चलिए आपको देख रहे हैं आपको शौचालय निर्माण का तिथि भी डालेंगे, ठीक है। चलिए मैं फिल करता हूँ शौचालय निर्माण का तिथि और मोबाइल नंबर। तो फिर आप देख रहे हैं यहाँ पर देख रहे हैं आपको लाभार्थी का नाम भी फिल कर चुका है, यहाँ पर लिंक फिल कर चुका है, श्रेणी उसका क्या है, जाति क्या है, जिला भी फिल कर चुका है, पंचायत भी फिल कर चुका है, टोला भी फिल कर चुका है, पिता पति के नाम आ रहे हैं, पति का नाम डाल देंगे, ठीक है। आपको शौचालय निर्माण का तिथि डाल देंगे, मोबाइल नंबर डाल देंगे, प्रखंड डाल लेंगे, ग्राम चुन लेंगे, वार्ड नंबर चुन लेंगे, आधार संख्या चुन लेंगे, आधार नंबर उसको यहाँ पर देख रहे हैं आपको शौचालय के साथ लाभार्थी का फोटो होना चाहिए आपको, ठीक है। तो इसमें आप फोटो इसमें फॉर्म इसका सेव कर सकते हैं, इसका फॉर्म इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं इसको चूज फाइल पर चलेंगे आपको, ठीक है। फोटो के लिए फोटो खींच करेंगे, ठीक है। आपको अपने मोबाइल में फोटो खींच लेंगे, उसको आपको
ठीक है, पहुँच गए कि इसमें आपको अपलोड करना पड़ता है। यहाँ पर जाएंगे चूज फाइल पर, जैसे अगर चूज फाइल पर जाएंगे आप उसको अपलोड कर सकते हैं। चलिए मैं आपको सामने में ले लेता हूँ आपको, ठीक है। जैसे अभी यहाँ पर देखें आपको चूज फाइल यहाँ फोटो में ले लिया हूँ, ठीक है। अब इसको पूरा फिल कर चुके हैं, ठीक है। अब इसको सेव कर देंगे, तो सेव करने के बाद आपको आईडी मिल जाएगा, ठीक है। अब देख रहे हैं आपको पूरा आपको गलत है या नहीं है, सही है आपको, इसको आपको चेक करेंगे एक बार, ठीक है। इसको बाद आपको सेव कर लेंगे, मेरा सब पूरा सही है, इसको सेव करेंगे। जैसे भी आप सेव करेंगे आपके यहाँ पर यूजर जो आपको आईडी मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देख रहे हैं आपको, ठीक है, विवरण सफलतापूर्वक दर्ज कर ली गई है, आपका रजिस्टर आईडी है। इसको आप स्क्रीनशॉट खींच लेंगे, ठीक है, इसको आप चेक करने के लिए बाद में, ठीक है। तो फिर आप कैसे आप इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है, आपका कैसे पैसा मिलेगा, ठीक है। आपको इसके लिए आपको मतलब ब्लॉक में आपको, ठीक है, ब्लॉक के लिए, ब्लॉक से जो आपका ब्लॉक होगा उस ब्लॉक में आपको मतलब वहाँ से आपको वीडियो आएंगे जो आपके सीईओ उनका है, ठीक है। आपको जो आपको शौचालय को पैसा देते हैं वो आपको चेक करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको अब पैसा इसका मिलेगा, ठीक है। आपके जो आपके अकाउंट में मांगे आपके अकाउंट में पैसा वो भेज दिए जाएंगे, ठीक है। अगर आप इसे चेक करना चाहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं आवेदन की स्थिति, ठीक है, 2-3 दिन बाद ही यहाँ पर चेक कर सकते हैं, ठीक है। अभी नहीं बताएंगे आवेदन की स्थिति, जैसे ही बता देंगे, ठीक है, आपको बोला आधार संख्या डाले के यहाँ पर सर्च करेंगे, आपको बता देगा, ठीक है, यहाँ पर बता देगा। इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। अगर आपको कोई परेशानी हो तो कमेंट में जरूर बताएं, मैं इसकी रिप्लाई जरूर दूंगा। तो फिर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। तो फिर आज के लिए इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम।